भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान की झूठ पर प्रहार किया है। पाकिस्तान ने भारत पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया था, जिसे सेना ने सिरे से नकार दिया। भारतीय सेना का कहना है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बना रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराता रहा है, जिसके खिलाफ भारतीय सेना ने कार्रवाई की है। इन आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना की ओर से मदद की जाती है। भारत ने किसी भी तरह के क्लस्टर बम का इस्तेमाल नहीं किया है। सेना की ओर से जो प्रतिक्रिया सामने आई है, मोर्टार बम में छेद क्लस्टर बम नहीं हो सकते हैं, भारतीय सेना की ओर से स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं, गलत हैं। अपने आप को बचाने की कोशिश के तहत पाकिस्तान की ओर से ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, इसको फैलाया जा रहा है, जिसको हिंदुस्तान कामयाब नहीं होने देगा। भारत पर क्लस्टर बम का आरोप पूरी तरह से गलत है, झूठा है। मंजीत तेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो मंजीत, हिंदुस्तानी सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, मनगढ़ंत आरोप मत लगाइए, आतंकवाद पर लगाम कसिए, और क्या कुछ कहा गया है हिंदुस्तान की ओर से? देखिए जितना सीधे तौर पर पाकिस्तान का झूठ इस तरह से बेनकाब होता है, क्योंकि भारतीय सेना के पास क्लस्टर बम है ही नहीं। भारतीय सेना इस तरह के बम का इस्तेमाल नहीं करती, जो कि सीधे तौर पर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करता है। और यही बात भारतीय सेना की तरफ से साफ तौर से पाकिस्तान को कही गई है, मीडिया को इस बात की जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान जिस तरह के आरोप लगा रहा है कि भारतीय सेना ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से खासतौर से जो रिहायशी इलाकों में आग लगने का खतरा होता है। और सीधे तौर पर भारतीय सेना का कहना है कि भारतीय सेना के पास इस तरह के बम नहीं है और न ही वो इस तरह के बम का इस्तेमाल करती है। तो एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो बयान जारी करके खासतौर से कहा गया कि भारतीय सेना ने सरहद के इलाकों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, तो वो सीधे तौर पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होता है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से खासतौर से इस बात को लेकर एक तरह से उनको परेशानी हो रही है कि भारतीय खासतौर से जम्मू कश्मीर और सरहद के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी सेना की मदद से, उसको एक तरह से नाकामयाब करने के लिए भारतीय सेना की तैयारी काफी बड़ी है। खासतौर से जो घुसपैठ की कोशिशें हो रही है पिछले दो तीन दिनों में आपने देखी होंगी, जैसा उनको नाकामयाब किया है भारतीय सेना ने। आज भी दो आतंकी मारे गए हैं। एक तरह से पाकिस्तानी सेना दबाव में है और उसी परेशानी का सबब यह है कि वो भारतीय सेना पर इस तरह के आरोप लगा रही है। इस तरह के मनगढ़ंत और गलत आरोप पाकिस्तान की सेना की ओर से लगाए जा रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले, पाकिस्तान का दरअसल चरित्र ही ऐसा रहा है, मनगढ़ंत झूठे आरोपों को गढ़ना, कहानी बनाना और उसके बाद भारत पे आरोप लगा देना। लेकिन हिंदुस्तान की फौज ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान का ये झूठा प्रोपेगेंडा चलेगा नहीं, मोर्टार बम में छेद क्लस्टर बम में नहीं हो सकते हैं, ये हमारी सेना की ओर से स्पष्ट किया गया है। अब जरा मंजीत, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए जल्दी से आप बता दीजिए कि वो कौन से मामले थे जिसको लेकर ये मनगढ़ंत कहानी के साथ पाकिस्तान सामने आया था, जिसको सिरे से खारिज किया हमारी सेना ने? दरअसल तभी पाकिस्तानी सेना की तरफ से उनकी जो DGSTR है उनकी तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया कि भारतीय सेना खासतौर से जवाबी फायरिंग में और जो सरहद के इलाके हैं वहां पर फायरिंग के दौरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है। क्लस्टर बम की वजह के बारे में बताएं तो इसकी वजह से आसपास अगर बम फटने के बाद आग लग जाती है, एक तरह से वो पेट्रोल डीजल का तेल की तरह का काम करता है, तो वो एक आरोप लगाया गया। तो सीधे तौर पर जब पाकिस्तानी सेना पिछले कई दिनों से सरहद पर फायरिंग कर रही थी बड़े हथियारों से, यानी कि आर्टिलरी गन की मदद से, तो भारतीय सेना ने भी उसी तरह से उसको बड़े हथियारों से जवाब दिया है। उसको उसकी बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही, जबकि जो बड़ी आर्टिलरी गन है उसकी उनसे भारतीय सेना ने जरूर जवाब दिया है पाकिस्तानी सेना को, खासतौर से ऐसे इलाकों में जहां पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की फायरिंग की गई। तो ये आरोप पाकिस्तानी सेना का सिरे से खारिज हो जाता है, क्योंकि भारतीय सेना के पास इस तरह के क्लस्टर बम नहीं है। और सबसे बड़ी बात अगर हफ्ते भर में देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से कई इलाकों में कश्मीर के खासतौर से घुसपैठ की कोशिशें हैं, बड़ी कोशिशें हैं, जिसको और उस घुसपैठ की कोशिशों को हमारी सेना की ओर से हर बार नाकाम कर दिया गया और इसी वजह से बौखलाया पाकिस्तान, अब झूठ बोलने पर उतारू हो गया है। शुक्रिया मंजीत इस पूरी जानकारी के लिए। उधर कश्मीर से एक और बड़ी खबर है, सेना आतंकवादियों पर काल बनकर बरस रही है।
कश्मीर में बीते 48 घंटों में 4 जैश के आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 4 आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है। 2 आतंकी सोपोर में और 2 आतंकी शोपियां में ढेर किए गए हैं। कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको वैसे बताते चलें कि 2019 के पहले 6 महीनों में कश्मीर में 126 आतंकवादी मारे गए थे और 2014 से 2019 तक 963 आतंकवादी मार गिराए गए और उनमें 63 में अगर इन 4 को और जोड़ लीजिए तो ये अपने आप में आंकड़ा बढ़ जाता है। और इस लिहाज से ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के इलाकों में जहां पर आतंकवादियों की घुसपैठ है, जहां पर आतंकवादी कई वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सोपोर में और साथ ही शोपिया में आतंकवादी आज ढेर किए गए। कुल 4 आतंकवादी आज मार गिराए गए हैं।